सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए में बॉडी बनाने का बहुत आसान तरीका। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि 15 रुपए में क्या आता है, तो दोस्तों 15 रुपए में एक बहुत अच्छी प्रोटीन डाइट आती है। ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत सारी बॉडी बनाने वाली चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ महंगे सप्लीमेंट की तरफ होता है। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ महंगे सप्लीमेंट खाने से बॉडी बनेगी। अगर आपका ऐसा सोचना है तो ये बात गलत है और 101% झूठ है, क्योंकि दोस्तों बॉडी सस्ती और महंगी चीज़ें खाने पीने से नहीं बनती है, बॉडी बनती है न्यूट्रिशन से और अच्छी मेहनत करने से। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपके बिल्कुल सामने रखी हुई हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों के बारे में शायद जानकारी नहीं है। और अगर जानकारी है तो हो सकता है कि आपको उन चीज़ों को खाने का सही तरीका और सही समय मालूम ना हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये तीनों चीज़ें पुराने ज़माने के बॉडी बिल्डर और पहलवान लोग यूज किया करते थे, जब सप्लीमेंट का कोई नामो निशान नहीं था, और आज के मुकाबले उनकी बॉडी काफ़ी ताकतवर और शक्तिशाली हुआ करती थी। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, जो देसी पहलवान हैं या जो लड़के जिम जाते हैं और उनका बजट थोड़ा कम है, महंगे सप्लीमेंट को नहीं खरीद सकते हैं, वो लोग आज भी इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली प्रोटीन वाली चीज़ आपको लेनी है 25 ग्राम सोयाबीन के दाने, जो कि आपको 5 रुपये से भी कम पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ आपको लेना है 50 ग्राम मूंगफली, ये भी आपको 5 रुपये के आसपास ही पड़ेगी। और दोस्तों तीसरी चीज़ आपको लेनी है 50 ग्राम मूंग दाल साबुत, ये भी आपको 5 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों अगर आप कम बजट में एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए समय समय पर लाता रहता हूँ। अब दोस्तों इन तीनों चीज़ों की पोषक तत्वों की बात करें तो 25 ग्राम सोयाबीन में आपको प्रोटीन मिलता है 13 ग्राम, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम मिलता है 85 mg, 90 कैलोरी आपको मिलती है, कार्बोहाइड्रेट 8 ग्राम मिलता है, और भी बहुत सारे पोषण आपको सोयाबीन से मिल जाते हैं। दोस्तों अब 50 ग्राम मूंगफली की बात करें तो इसमें आपको प्रोटीन मिलता है 13 ग्राम, विटामिन B6 मिलता है 7% और हेल्दी फैट आपको मिलता है 25 ग्राम, जो कि एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट आपको 8 ग्राम मिलता है और फाइबर आपको 4 से 5 ग्राम के करीबन मिल जाता है। दोस्तों अब 50 ग्राम मूंग दाल की बात करें तो इसमें आपको प्रोटीन मिलता है 12 ग्राम, 170 कैलोरी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है 32 ग्राम के करीबन। इसके अलावा मूंग दाल में फाइबर और ढेर सारे विटामिन्स मिनरल्स भी आपको मिलेंगे, जो कि आपको महंगे से महंगे सप्लीमेंट के अंदर नहीं मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको एक अच्छी और ताकतवर बॉडी बनानी है तो इन चीज़ों को यूज कैसे करना है ये भी आप ज़रा ध्यान से समझ लो। तो सबसे पहले आपको इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से धोकर रात को 7 से 8 बजे के करीबन पानी में भिगोकर रख लेना है, और सुबह कसरत करने के बाद में आप इस डाइट को ले सकते हैं। और दोस्तों इसका जो पानी है इसको फेंकने की गलती मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। दोस्तों इस पानी को आप अलग से निकाल के रख लें और इन तीनों चीज़ों को खाने के 1 घंटे के बाद में आप इस पानी को पी सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि पानी आपको तुरंत नहीं पीना है, 1 घंटे के बाद में ही पीना है। अब थोड़ा हिसाब किताब की बात करें तो 25 ग्राम सोयाबीन से आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिला, कीमत 5 रुपये, 50 ग्राम मूंगफली से आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिला, कीमत 5 रुपये, 50 ग्राम मूंग दाल साबुत से आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिला, कीमत 5 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोटीन हुआ टोटल 38 ग्राम, वो भी सिर्फ 15 रुपये में। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बजट कम है तो आपको प्रोटीन पाउडर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन पाउडर की एक सर्विंग आपको 80 से 100 रुपए की पड़ती है, जिसमें आपको प्रोटीन सिर्फ 24 से 25 ग्राम मिलता है, और ये देसी डाइट आपको सिर्फ 15 रुपए की पड़ती है और प्रोटीन मिलता है आपको 38 ग्राम। जमीन आसमान का अंतर है रेट में भी और प्रोटीन में भी। इस बात पर दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।